यूपी में सियासी हलचल पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने करीब 2 घंटे तक बैठक की, तो वहीं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक में यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा हुई। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की जानकारी दी। इसके अलावा संगठन के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। हालांकि भूपेंद्र चौधरी पहले ही यूपी में लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से अपना बयान दोहराया। पीएम से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री शाह के आवास पहुंचे। लोकसभा चुनावों के परिणाम और उसकी समीक्षा की रिपोर्ट में जो कुछ खुलासे हुए हैं, उसके बाद यूपी बीजेपी में सियासी खींचतान जारी है। यूपी में बीजेपी की हार को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कल नड्डा से मुलाकात में सारी बातें रखी। इसी बीच सीएम योगी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें सभी 10 विधानसभा के लिए 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं अब विपक्ष ने भी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि दिन ब दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है, भाजपा खेमों में बट गई है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जो उनके साथ खड़े हैं वो उन्हीं के साथ हैं और सबका साथ सबका विकास बंद करना चाहिए। जो हमारे साथ, हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। अपने इस बयान पर शुभेंदु अधिकारी को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने इस पर सफाई दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। शुभेंदु अधिकारी ने पोस्ट कर लिखा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। अग्निवीरों पर चल रहे सियासी घमासान के बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को कई बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। अब हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेगी। इसके अलावा हरियाणा में अग्निवीरों को इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, जेल वार्डन, एसपीओ जैसी नौकरियों में अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि ग्रुप सी में 5% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबे और ठेले वाले अपना असली नाम अपनी दुकान पर लिखेंगे, जिससे कांवड़ियों को किसी तरह का कंफ्यूजन न हो। जहां से भी कांवड़िये अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िये के अंदर ना रहे। प्रशासन के इस फैसले का असर भी मुजफ्फरनगर में दिखने लगा है। इसके चलते फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर भी लगाए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन का यह फैसला असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ ना खरीद ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसका नाम जूडन बाइकॉट था। Z News.